रवामा पीकेएलआई में बच्चों के जिगर की पहली पैवनकारी होगी। चीफ जस्टिस ने मरीजों और लवाहिकीन को खुशखबरी सुना थी। जज्बे से काम करने वाले दो डॉक्टर्स पाकिस्तान आए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में जिगर के मरीज बच्चों की लंबी फहरिस्त है। पैवनकारी के लिए भारत जाना पड़ता है और वीजा भी नहीं मिलता। चीफ जस्टिस जाली अकाउंट्स केस, सिंध में रहकर तफ्तीश नहीं हो सकती, ये बड़े बासर लोग हैं। वजीर आला सिंध या उनके बॉस को कहें बास आ जाए, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा, अनवर वजीद को कराची से पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म। एजी मजीद और हुसैन लवाई को भी कराची से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। जेआईटी 10 दिन में रिपोर्ट मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। चीफ जस्टिस ऑरेंज ट्रेन मंसूबा, ठेकेदार कंपनीज को 10 अरब 47 करोड़ रुपए की अदायगियां न करने का इंकशाफ। रकम की अदायगियों के लिए एलडीए और ठेकेदारों में तनासिया, ठेकेदार काम से ज्यादा पैसों में तकासा कर रहे हैं। एलडीए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को काम की खुद चेकिंग करके रिपोर्ट मुरतब करने का हुक्म। ऑरेंज ट्रेन पर 80% काम हो गया, मंसूबा मुकम्मल करेंगे। वागुजार कराई गई जमीनों पर हुकूमत का कब्जा है। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, 5 दिसंबर को शौकत खानम फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने का ऐलान। मंसूबे की साइट का दौरा, फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इकरार हुसैन की ब्रीफिंग। लारी अड्डे में मुसाफिर खाने की तामीर पर हुकूमत और बल्दिया उस्मा में सर जंग। बल्दिया उस्मा का मुसाफिर खाने की अरासी का एनओसी जारी करने से इनकार। लॉर्ड मेयर ने लारी अड्डे में मुसाफिर खाने की तामीर पर एतराजात उठा दिए। शाहतरा में भी मुसाफिर खाने की तामीर में मुश्किलात। शाहतरा में मुक्त जमीन पर हाई प्रेशर गैस लाइन का गुजर, मुकाम फौरी तब्दील करने का फैसला। एलडीए का चीफ सेक्रेटरी को मुरासला। मुजाहिद कामरान के नैप से मुतालिक इंकशाफात, चीफ जस्टिस पाकिस्तान आला सतह की जीआईटी तश्कील थे। मुस्लिम लीग नून का मुतालबा, इना परवेज भट्ट ने करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी। जायदुल मयाद कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल पर 40 फैक्ट्री सील। फूड अथॉरिटी ने 88 फैक्ट्रीज को जुर्माने, 280 को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए। पीआईए की लाजवाब सर्विस का एक और कारनामा, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से आने वाली परवास मुसाफिरों का सामान इस्लामाबाद भूल आई। 40 से ज्यादा मुसाफिर सामान न मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। कुवैत से लाहौर आने वाली परवास के मुसाफिर भी याद बेयार मददगार। कुवैत एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा मुसाफिर फंस गए। परवास ने जुम्मे के सुबह 4 बजे लाहौर आना था। साबिका अहलिया की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का मामला, एफआईए ने साबिक डीआईजी गिलगित बल्तिस्तान जुनेद अरशद की गिरफ्तारी पर 5 लाख इनाम रख दिया। अलाइड स्कूल मसूद कैंपस में फंड फेयर ब्राइट डैम्स फंड रेजिंग का इनका, सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की खसूसी शिरकत। बांग्लादेश को 2 साल के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई। नासिम उल हसन एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब, एहसान मानी की सरबराही में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास। हम परविशे रूहे लूहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। फैज़े अमन मेले का दूसरा रोज, भारतीय मेहमान जावेद अख्तर और अमजद इस्लाम अमजद की शिरकत। फैज अहमद फैज को खराज अकीदत पेश, अदब से लगाव रखने वाले अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। सहाफत में सियासत के उनवान से नशस्त हामिद मीर, वसदुल्ला खान जियाउद्दीन अहमद मारवी सनमत की शिरकत। मामा को दे दे, वो किचन में इस्तेमाल कर ले, मुझे नहीं। अच्छा, अब वहां से एक और प्रेशर था, प्रोग्राम चल रहा था।
का क्या रक्स, कोई रक्स तो सबासूरत सेशन में लाजवाब रक्स परफॉर्मेंस, ख्वाब की तितली के पीछे के उनवान से नशे, तलबात के दरमियान शायर व शायरी, कलाम फेस्ट पर तलबा की खसूसी परफॉर्मेंस।